हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हृदय में राष्ट्र प्रेम की ऐसी लौ जगाए, एक आदर्श कर्मयोगी, महान दार्शनिक, विलक्षण विचारक, दूरदर्शी राजनेता, अद्भुत संगठन शास्त्री, ओजस्वी वक्ता, प्रेरणादायी लेखक व शिक्षाविद, अति सौम्य, शांत, सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के छोटे से गांव के अति निर्धन परिवार में जन्मे पंडित जी ने संघर्षों भरे जीवन में भी धैर्य व लगन का परिचय दिया। देश की उच्चतम परीक्षा सिविल सेवा में उत्तीर्ण हुए, परंतु राष्ट्र सेवा के लिए सब त्याग कर समाज हित में समर्पित हो गए। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना कर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे राष्ट्रधर्म, पांच जन्य, स्वदेश इत्यादि। संगठन ही संघ की आत्मा है के मूल मंत्र को जीते हुए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना की। पंडित जी कहते थे, मैं राजनीति में संस्कृति का दूत हूँ। उनके व्यक्तित्व की आभा से प्रभावित होकर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, अगर मेरे पास दो दीनदयाल हों तो मैं भारत का राजनीतिक नक्शा बदल सकता हूँ। 11 फरवरी 1968 को मात्र 51 वर्ष की आयु में वे चले गए और विरासत में छोड़ गए अपने प्रखर चिंतन से उपजे दो क्रांतिकारी विचार। धर्म, समूह, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव का ब्रह्मांड से संबंध अर्थात एकात्म मानवता और दूसरा अंत्योदय। वे कहते थे, देश की आर्थिक योजनाओं व आर्थिक प्रगति का मापदंड सबसे निचले स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रत्येक नीति व योजना का अंकुर इन दो बीज मंत्रों की देन है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता आज भी उनके विचारों व व्यक्तित्व से प्रेरित है। हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है।